सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लक्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1-800-21-23-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanama.com। कल देर शाम को सिरसा जिले के मीरपुर गांव के पास पुलिस को दो शव है वो बरामद हुए और बताया जा रहा है कि ये प्रेमी जोड़ा था जिन्होंने सिरसा के मीरपुर में आकर के सुसाइड किया और इनके पास से एक कार है वो भी बरामद हुई है, रेटिज कार है और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो इसी कार में ये दो लोग दोनों यहाँ पर पहुँचे थे। दोनों ही राजस्थान के अलग अलग गांव से हैं, भादरा के पास दोनों के गांव पड़ते हैं और दोनों में जो है प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के सुसाइड नोट बरामद किया है जो मृतक लड़का है उसकी जेब से, और पुलिस ने जो है जो मृतक लड़का है उसके जो है मामा और उसके चाचा के लड़के के खिलाफ जो है सुसाइड के लिए उकसाने का जो है पर्चा दर्ज कर दिया है। और सुसाइड नोट में भी जो है युवक ने और युवती ने दोनों ने लिखा है कि वो दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन उनके जो परिजन हैं वो तैयार नहीं थे और उन्होंने उनको धमकी दी कि अगर वो शादी करेंगे तो उनको जान से मार देंगे और इसी डर से वो है वो सुसाइड करने जा रहे हैं। और जो है पुलिस को ये सुसाइड नोट मिल चुका है और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के जो है जो मृतक लड़का है उसके परिजन यानी कि उसके मामा के लड़के और उसके मामा और उसके चाचा के लड़के के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों में जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था और अभी ये इस बात का तो नहीं पता चला है कि प्रेम प्रसंग कैसे शुरू हुआ, लेकिन दोनों का आना जाना भादरा में था और क्योंकि जो मृतक लड़का है वो भादरा में पढ़ता था और जो लड़की है वहाँ पे भी कोचिंग की तैयारी कर रही थी, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, और इसी बीच ही दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया लेकिन धर्म आड़े आ गया ये कह सकते हैं, क्योंकि लड़की है वो मुस्लिम परिवार से है जबकि लड़का है वो हिंदू परिवार से संबंध रखता है और इसी कारण से दोनों की शादी नहीं हो पाई। और जो है इसके बाद जो है दोनों ने ये जो है ये कहूँगा कि बड़ा कदम है वो उठा लिया जिससे दोनों की जान है चली गई। पुलिस ने इन दोनों के शव है वो सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में रखाए हैं और शव के पोस्टमार्टम जो है करवाने के बाद दोनों के जो शव है वो परिजनों को अलग अलग है वो सौंप दिए जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त सदर थाना सिरसा के ASI हैं राजपाल, जो इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, इस मामले की जांच कर रहे हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं कि क्या ये पूरा मामला है। नमस्कार प्रमोद जी, मैं ASI राजपाल थाना सदर सिरसा से। कल शाम को हमारे पास एक सूचना आई, सरपंच मीरपुर का है, उसने सूचना दी कि नई अनाज मंडी के पास एक प्रेमी जोड़ा ने सुसाइड कर लिया है, जो मौका पर मैं पहुंचा और मौका पर पहुंच के वो दोनों शवों को उनकी इमदाद से सरकारी अस्पताल में रखवाया और उनके वारसानों का इंतजार किया। और आज जब उन लड़कों की तलाशी बेटे उस लड़के की तलाशी ली और उस तलाशी के अंदर लड़के की जेब से सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में उस लड़के ने अपने चाचा के लड़के राजकुमार के खिलाफ और अपने मामा ओम प्रकाश के खिलाफ सुसाइड नोट लिखा था। लड़की है छानी बड़ों की, वो बादरा की तरफ है, उससे उसका प्रेम प्रसंग था, इन दोनों प्रेम प्रसंग के चलते वो शादी करवाना चाहते थे और परिवार वाले शादी से मना कर दिए हो गया, तो इस करके उसने सुसाइड नोट किया। सुसाइड नोट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और इनका पोस्टमार्टम करवा के वारसानों के हवाले किया जाएगा और आगे जैसे भी जो कोई तथ्य सामने आएंगे तो निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये बताया जा रहा है कि लड़का हिंदू था, लड़की मुस्लिम है, सब कुछ है कैसे? हाँ, लड़का जाट कास्ट से संबंध रखता है और लड़की मुस्लिम कास्ट से संबंध रखती है। तो कहीं कहीं शादी इसी को लेकर के कोई आड़े आ रही थी या अभी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज नहीं आई? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं आई, शायद हो सकता है समाज अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार शादी करना चाहता हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।